एक ऐसा वक्त जहां पर अमीर लोग गरीब लोगों की उम्र को उनसे खरीद लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ज्यादा जिएगा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैराडाइज। ये कहानी है भविष्य की दुनिया की, जहां पर इंसानों ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान अब एक दूसरे की उम्र खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन दोनों का डीएनए सेम होना चाहिए। और ये काम करती है इयोन नाम की एक कंपनी, जिसमें मैक्स नाम का एक सेल्समैन काम करता है। मैक्स का काम है लोगों को कन्विंस करना कि वो अपनी उम्र बेचें। अब वो एक रिफ्यूजी कैंप में जाता है, जहां पर एक इजिप्शियन फैमिली होती है जो पिछले कई सालों से जर्मनी में है। उनके पास यहाँ की कोई आईडी नहीं है और इसी परिवार में 18 साल का एक बच्चा है। मैक्स उसे कहता है कि तुम अपने 15 साल भेज दो। वो बच्चा कहता है कि अगर मैंने 15 साल भेज दिए तो मैं बहुत जल्दी 33 साल का हो जाऊंगा। मैक्स कहता है कि ऐसा करने पर जो तुम्हारी उम्र के 15 साल खरीद रहा है वो तुम्हें 7 लाख यूरोज देगा, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत है। इससे तुम अपना घर खरीद सकते हो, तुम अपना वीजा बनवा सकते हो, तुम्हारे परिवार को एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। वो बच्चा कन्विंस हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, जिसके बाद मैक्स अपनी कंपनी के बाहर जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो इस काम के खिलाफ हैं। मैक्स अपने काम में बहुत अच्छा है। उसने कुछ ही महीनों में 276 सालों की सेल परचेज करवाई है, इसीलिए उसकी कंपनी इयोन उसे एक अवार्ड देती है, जिसके बाद इयोन कंपनी की सीईओ स्टेज पर आती है और सबको बताती है कि आज तक हम 2 लाख लोगों की उम्र को घटा चुके हैं, और जिन लोगों ने अपनी उम्र को बेचा था वो पहले गरीब थे, लेकिन अब वो एक आराम की जिंदगी जीते हैं। हमारी लैब में 15 वैज्ञानिक हैं जिनकी उम्र को हम घटा रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा जिएं और बड़े बड़े आविष्कार करें और हमारी दुनिया को और भी बेहतर बनाएं। वहीं हमें लैब दिखाई जाती है जहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनमें वो वैज्ञानिक भी हैं, जिनकी उम्र को घटाया जा रहा है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो इयोन कंपनी के एम्प्लॉयज को और उन लोगों को मार देता है जो दूसरों की उम्र को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करके अपनी उम्र को घटा रहे होते हैं। ये लड़का एडम ग्रुप का हिस्सा है। एडम ग्रुप वो ग्रुप है जो इयोन कंपनी के खिलाफ है। उनका मानना है कि इयोन कंपनी गरीबों के साथ ज्यादती कर रही है। वो उनकी उम्र को खरीद के अमीर लोगों को बेच देती है, जिससे गरीब लोग जल्दी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अपनी वाइफ के साथ उसके डैड के घर जाता है, लेकिन उसके वाइफ के जो डैड हैं वो उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी उम्र को खरीदती है। मैक्स अपनी वाइफ के साथ अपने अपार्टमेंट वापस आता है। वो देखता है कि उसका अपार्टमेंट जल रहा है, किसी ने उसके अपार्टमेंट में आग लगा दी है। दरअसल ये उसकी वाइफ ने खरीदा था, जिसके लिए उसने बैंक से 2.5 मिलियन यूरोस का लोन लिया था। मैक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारा घर इंश्योरेंस के अंडर आता है, इसीलिए हमें इंश्योरेंस वाले पूरा पैसा देंगे। ये दोनों के दोनों इंश्योरेंस कंपनी जाते हैं, जहां इंश्योरेंस एजेंट ने बताती है कि हमें फायर डिटेक्टर से पता चला है कि घर तुम्हारी गलती की वजह से जला है। तुमने जलती हुई कैंडल को घर पर छोड़ दिया था और इस वजह से तुम्हारे घर में आग लगी। दरअसल घर में इनकी ज्वेलरी थी, कैश था, वो सब कुछ जल चुका है और ना ही अब इन्हें इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा मिलेगा। इन्हें बैंक के 2.5 मिलियन यूरोस चुकाने हैं और इस लोन को लेने के लिए मैक्स की वाइफ ने अपनी उम्र को गिरवी रखा था। उसका डीएनए किसी अमीर इंसान के साथ मैच हो गया था और अब अगर उसने लोन के पैसे नहीं चुकाए तो लोन की रकम के हिसाब से उसे अपनी उम्र के 40 साल उस इंसान को देने होंगे जिस इंसान के साथ उसका डीएनए मैच हुआ था। ये दोनों के दोनों इंश्योरेंस कंपनी से बाहर निकलते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो मैक्स की वाइफ को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे बैंक के पैसे चुकाने हैं। मैक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इयोन कंपनी के लिए ही काम करता हूं, मैं जल्दी तुम्हें छुड़वाऊंगा। इसके बाद वो अपनी कंपनी की सीईओ के पास जाता है और बताता है कि मुझे 2.5 मिलियन यूरोस की जरूरत है, क्योंकि लोन ना चुकाने की वजह से मेरी वाइफ को पुलिस ने पकड़ लिया है। जल्दी मैं सारे के सारे पैसे इसी कंपनी में जॉब करते हुए कंपनी को चुका दूंगा। वो कहती है कि अपनी और अपनी पत्नी की फाइल मुझ तक पहुंचा दो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद सीईओ एक मीटिंग में जाती है, जहां पर सभी उसी की कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉयज हैं। सब के सब यंग होते हैं,
क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी से या तो उम्र को खरीदा था या फिर जबरदस्ती उनसे ले ली थी। सीईओ अब भी बूढ़ी है, जिसका मतलब ये है कि अब तक उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिससे उसका डीएनए मैच करे। दूसरी तरफ हमें मैक्स की वाइफ को दिखाया जाता है, उसकी जबरदस्ती उम्र उससे छीन ली जाती है क्योंकि मैक्स ने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया। मैक्स इसके बाद अपनी वाइफ को अपने घर ले जाता है। 3 दिनों के बाद उसकी वाइफ की उम्र पूरी 40 साल बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को पूरा होने में पूरे 3 दिन लगते हैं। मैक्स अपनी वाइफ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी कुछ करूंगा। वो अपनी कंपनी की सीईओ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे बात किए बिना ही वहां से गाड़ी से निकल जाती है। साथ ही उसे भी अब अपना डोनर मिल चुका है, यानी कि जल्दी वो जवान हो जाएगी। मैक्स इसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर उसकी वाइफ कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। हम दोनों का सपना था कि हमारे बच्चे हों, हम दोनों एक साथ बूढ़े हों, जो अब मुमकिन नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। वो अपने मॉम डैड के घर चली जाती है, जहां पर उसकी मॉम अब उससे भी छोटी लग रही होती है। वही मैक्स अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज होता है, इसीलिए वो उस कंपनी को छोड़ देता है। अब वो उस कंपनी के खिलाफ है। उसका भी मानना है कि किसी की उम्र को उससे छीनना गैरकानूनी है, इंसानियत के खिलाफ है। एक दिन वो पार्क में बैठा होता है, तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है जो उसे नशीली दवाएं बेचने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उससे दवा नहीं खरीदता। जिसके बाद वो बच्ची दूसरे इंसान के पास जाती है और उसके साथ डील करती है, और अब वो एक सिगरेट भी पीती है। उसके एटीट्यूड से मैक्स समझ जाता है कि ये कोई बड़ी उम्र की औरत थी जिसने अपनी उम्र को कम करवाया है। वो उसके पास जाता और कहता है, मुझे पता है कि तुमने अपनी उम्र को रिवर्स करवाया है, लेकिन योन कंपनी इतनी ज्यादा उम्र कम करवाने के लाखों डॉलर्स लेती हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम ये काम नहीं करती, तुमने ये कैसे किया? वो बच्ची बताती है कि योन कंपनी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से इस काम को करते हैं, यानी कि इस काम का भी ब्लैक मार्केट है जहां पर ये काम बहुत कम पैसों में हो जाता है। वो उसे उस डॉक्टर का नंबर दे देती है, जिसके बाद मैक्स सबसे पहले अपनी वाइफ का एक नकली पासपोर्ट बनवाता है, साथ ही वो एक गन भी खरीद लेता है। और अब वो योन कंपनी की सीईओ पर नजर रखता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसकी वाइफ की उम्र के जो 40 साल है वो और किसी ने नहीं बल्कि सीईओ ने खरीदे हैं, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एक दिन जब वो ग्रेवयार्ड में होती है तो पीछे से मैक्स आकर उसे किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो वहां पर एडम ग्रुप का सिंबल बना देता है ताकि सबको ये लगे कि ये काम एडम ग्रुप ने किया है। लेकिन जब सीईओ की टीम यहाँ पर आती है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करती है तो उन्हें ग्रेवयार्ड के बाहर मैक्स की कार दिखती है। वही मैक्स अपनी वाइफ के पास जाता है और बताता है कि हमारी कंपनी यानी कि योन कंपनी की सीईओ ने तुम्हारी उम्र को जबरदस्ती तुमसे लिया था, मैंने उसे किडनैप किया है और अब हम उसे वो साल वापस ले लेंगे। हालांकि मैक्स की वाइफ इसके खिलाफ होती है, लेकिन मैक्स उसे समझाता है। वही हमें सीईओ की टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें मैक्स की कार की लोकेशन मिल जाती है, पर जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता, क्योंकि मैक्स अपनी वाइफ के साथ और सीईओ के साथ यहां से निकल चुका है। और जल्द ही वो अपनी टेक्नोलॉजी से पता लगा लेते हैं कि मैक्स इस वक्त कहां पर है। दरअसल वो एक शिप से एक दूसरे शहर जा रहा है, जहां पर वो डॉक्टर है जो सीईओ की उम्र को वापस उसकी पत्नी की उम्र में ट्रांसफर कर देगा। पर इससे पहले कि वो पोर्ट तक पहुंचता, मैक्स देखता है कि पोर्ट पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। वो समझ जाता है कि पुलिस को इनकी लोकेशन का पता चल चुका है, इसीलिए उसी शिप में ट्रेवल करने वाली एक फैमिली के बच्चों को वो गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें अपनी गाड़ी की डिक्की में हम सबको छुपा कर यहां से निकालना होगा। अगर पुलिस कोई भी सवाल पूछे तो कॉन्फिडेंटली उसका आंसर देना, ताकि तुम पर उन्हें शक ना हो। और वो आदमी ऐसे ही करता है, जिस वजह से पुलिस इनकी गाड़ी को चेक नहीं करती और ये सब बचकर निकल जाते हैं। सुनसान इलाके में वो आदमी इन तीनों को ड्रॉप कर देता है, जहां पर वो लड़की यानी कि वो सीईओ बताती है कि जिसे तुम किडनैप करना चाहते थे वो मेरी मॉम है, मैं उनकी बेटी हूं और मैं भी उनके इस काम के खिलाफ हूं। ये सब जानने के बाद मैक्स और उसकी वाइफ पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जान पर खेल कर ये इस लड़की को यहां तक लाए हैं। मैक्स को अब भी उस पर शक है, इसीलिए वो उसे एक सुनसान घर में ले जाता है।
रात को लड़की कहती है कि मुझे नहाने के लिए जाना है, इसीलिए मैक्स को अपना मुंह घुमाना पड़ता है और ठीक उसी वक्त वो उसके सर पर हमला करके उसके फोन को लेकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो इयोन कंपनी को कॉल करती है, लेकिन तभी वो एक दलदल में गिर जाती है, फोन दलदल में धंस जाता है और अब वो भी धीरे धीरे दलदल में धंस रही होती है और चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर मैक्स की वाइफ आ जाती है जो उसे दलदल से बाहर निकाल लेती है। अब ये वापस उसी घर में आ जाते हैं जहां पर मैक्स है। वो लड़की अब जब नहा रही होती है तो मैक्स की वाइफ उस पर नजर रखती है। वो देखती है कि उसकी बॉडी में ऑपरेशन का कोई निशान नहीं है, जबकि एज ट्रांसफर के वक्त जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें बॉडी में कुछ निशान होने चाहिए। वो समझ जाती है कि ये लड़की सच बोल रही है, ये सीओ नहीं बल्कि उसकी बेटी है। वो मैक्स को ये बात बताती है। मैक्स कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सीओ है या उसकी बेटी है, अगर ये सीओ की बेटी है तो इसका अपनी मॉम से डीएनए जरूर मैच करता होगा। हम इसकी उम्र को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। अगर इसकी मॉम यानी कि सीओ अपनी बेटी से प्यार करती होगी तो वो अपनी उम्र वापस अपनी बेटी को ट्रांसफर कर देगी जो उम्र उसने तुमसे ली है। इसके बाद ये उसे बांधकर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। तभी रात को कुछ लोग इनके घर के अंदर आते हैं, इनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पर ये इयोन कंपनी के लोग नहीं बल्कि एडम ग्रुप के लोग होते हैं। एडम ग्रुप की जो लीडर होती है वो मैक्स को बताती है कि तुम्हारे घर में अपने आप आग नहीं लगी थी, बल्कि वो तुम्हारी कंपनी की सीईओ ने लगवाई थी, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारी वाइफ का डीएनए उससे मैच करता है। तुम्हारी वाइफ ही उसके पास एकमात्र ऐसी इंसान थी जिससे वो अपनी उम्र कम करवा सकती थी। तुम्हारे खिलाफ ये एक षड्यंत्र था और अब तुम्हारे पास एक मौका है, तुम उसकी बेटी को मार कर अपना बदला ले सकते हो। लेकिन मैक्स की वाइफ ऐसा करने से मना कर देती है। और तभी बाहर इयोन कंपनी के लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले सीओ की बेटी ने जो कॉल किया था उसकी लोकेशन को ट्रेस करके सब के सब यहां तक पहुंच चुके हैं। एडम ग्रुप की जो लीडर होती है वो मैक्स से कहती है कि तुम बाहर जाओ और उनसे कहो कि अगर उन्हें सीओ की बेटी चाहिए तो सीओ को अंदर भेज दें, जहां हम उसे पकड़ लेंगे। मैक्स बाहर जाता है और कहता है कि मैं सीओ की बेटी को वापस लौटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मैं सीओ से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद सीओ अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है। अब वो पहले से बहुत जवान हो चुकी है। वो कहता है कि मैं तुमसे अंदर कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरी बेटी को छोड़ देना, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। और अब इससे पहले कि सीओ उसके साथ अंदर जाती, उसके जो गार्ड्स होते हैं उन्हें मैक्स के ऊपर शक हो जाता है कि अंदर कोई और भी है, इसीलिए वो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन सीओ के गार्ड्स में एक ऐसा गार्ड भी होता है जो एडम ग्रुप के लिए काम करता है, इसीलिए वो सीओ पर गोली चला देता है और ठीक उसी वक्त सीओ के गार्ड्स उसे मार देते हैं। मैक्स भागकर अंदर आ जाता है, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एडम ग्रुप के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। मैक्स अपनी वाइफ को और सीओ की बेटी को कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और जब ये गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी सीओ की बेटी गन निकालकर मैक्स की पत्नी की तरफ तान देती है। वो उसे गोली मारना चाहती है लेकिन मैक्स आकर उसे बचा लेता है। अब तक मैक्स को एहसास हो चुका है कि अब तक जो भी सीओ की बेटी के साथ करने की कोशिश कर रहा था वो गलत है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पास उस जगह की लोकेशन भी आ चुकी होती है जहां पर आज एज को ट्रांसफर करना है, पर अब उसने अपना इरादा बदल लिया है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि सीओ की बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और तभी उसकी वाइफ चाकू दिखाकर उसे गाड़ी से नीचे उतार देती है और उस लड़की को सीधा उस जगह ले जाती है जहां पर एज को ट्रांसफर करना है। वो सीओ की बेटी की बॉडी से अपने 40 साल वापस ले लेती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीओ अब भी जिंदा है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। उसके पास उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र बढ़ चुकी है। वो अपनी मॉम से कहती है, क्या आप मुझे मेरी उम्र वापस दे सकते हो जो आपने मैक्स की वाइफ से ली थी। वो कहती है कि हम जल्दी इसका कोई हल निकालेंगे, पर वो अपनी उम्र अपनी बेटी को नहीं देती जिस पर उसका हक है। वही मैक्स को दिखाया जाता है जिसने अब एडम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। वो एडम ग्रुप के साथ इयोन कंपनी और उन लोगों के खिलाफ जंग करता है जो एज को ट्रांसफर करते हैं। वही हमें उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जिसने अब दूसरी शादी कर ली है। वो अपनी जिंदगी में खुश है और पहले की तरह जवान है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।